वेलकम टू ओनली जैन रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं डाइट पिज़्ज़ा। हम बना रहे हैं ज्वार का पिज़्ज़ा जो कि होता है बहुत हेल्दी एंड ग्लूटेन फ्री। ज्वार पिज़्ज़ा जो बेस होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए हमें इसे पिज़्ज़ा बनाने से आधे घंटे पहले ही बनाना है, इससे पहले ना बनाएं। हम पिज़्ज़ा बेस रोटी बनाएंगे, इसके लिए हम लेंगे 1 कप वाटर जिसे हम उबालेंगे। उसके अंदर हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून घी डालेंगे। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसके अंदर आटा मिक्स करेंगे। इस तरह से उबाल आना चाहिए गैस बंद करके। फिर हम 1 कप आटा डालेंगे। आटा डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। 1 कप पानी लिया हमने 1 कप आटे के लिए। इस तरह से मिक्स करना है और फिर इसे 2 मिनट के लिए ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद फिर हाथ पे हम थोड़ा सा घी लगा के आटे को गूंद लेंगे। मैं आपको याद करा दूँ, हम नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। ज्वार की रोटी, सॉफ्ट रोटी हम जो बनाते हैं वो उसका भी प्रोसीजर यही है। इस तरह से हमें आटे को अच्छे से सॉफ्ट गूंद लेना है, मसल मसल के आटे को बांधना है हमें। इस तरह से मसल के हमें आटे को गूंदना है। हमारा जो डो है पिज़्ज़ा के लिए, बेस बनाने के लिए जो डो है वो रेडी है। आप देख सकते हो आटा इतना सॉफ्ट बना है। और तुरंत ही हम अभी इसका बेस बनाएंगे। इसके लिए हम एक लोई, हमें जाड़ा लोइया लेना है क्योंकि जाड़ी रोटी बनानी है। जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी जाड़ी रोटी बनानी है। जो भाकरी बनाते हैं वैसे हमें ये बनाना है, उस तरह से थिक बनाना है, हमें जाड़ा बनाना है रोटी को। ड्राई आटे को डस्ट करके हमने रोटी बनाई है। आप देख सकते हो रोटी को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ी सी जारी रखनी है बेस के लिए। और इसे हम तवे पे सेकेंगे। अभी तवा गरम हो जाए तब हम इसे रखेंगे रोटी को, और फोक की मदद से हम इसके अंदर पोक करेंगे। फिर टर्न करके वापस हम पोक करेंगे। हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। इस तरह से हमको आधी कच्ची पक्की रोटी बना के लेनी है। हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है ज्वार का वो रेडी है। आप देख सकते हो कि रोटी कैसी बनी है। फिर हम पिज़्ज़ा पैन लेंगे, उसे ग्रीस कर लेंगे, या फिर नॉर्मल पैन लो या कढ़ाई लो, उसको ग्रीस करके हम प्री हीट होने देंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक रोटी लिया है। रोटी पे आपको पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करना है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। इस तरह से पूरे में पिज़्ज़ा सॉस लगाना है हमें। फिर हम लगाएंगे वाइट सॉस। आप चीज़ का भी यूज़ कर सकते हो, मोज़रेला जो चीज़ हम ग्रेट करके डालते हैं वो भी डाल सकते हो, या फिर आप मायनीज़ भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम इसके ऊपर अपने अपने पसंद के अनुसार टॉपिंग्स डालेंगे। मैंने कैप्सिकम और बेल पेपर यूज़ किया है टॉपिंग के लिए। आप कॉर्न, बेल पेपर, जुकीनी, जो आपको पसंद आए वो टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हो। फिर हम इसके ऊपर ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग जो होता है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इसके ऊपर फिर हम पनीर या चीज़ को ग्रेट करके रखेंगे। मैंने यहाँ पे पनीर यूज़ किया है। इन दोनों की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। और आपको टमाटो सॉस की भी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है इसके साथ खाने के लिए। फिर जब ये प्री हीट हो जाए, इसे पैन को बंद करके हम इसे कुक होने देंगे। लगभग 7 to 8 मिनट फर्स्ट पिज़्ज़ा के लिए होगा, जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। इस तरह से
बेक करने के बाद हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी है, पीछे से पूरा क्रिस्प हो गया है। फिर हम पिज़्ज़ा कटर से कट करके देखेंगे। इस तरह से पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा को कट करना है। आप देख सकते हो पिज़्ज़ा कितना क्रिस्पी बना है और यमी भी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा आपको ये रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका एक्सपीरियंस कैसा